नमस्कार दोस्तों, कई लोग हमें बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं कि बार बार हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं लेकिन बार बार हम एक सीमित टाइम के बाद ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन एक समय आता है जब हम हमारा ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं और हम लंबे समय तक बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे हम लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी इंसान लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने एडिक्शन को समझना होगा, उसे अपनी लत को समझना होगा। आपका एडिक्शन कितना बड़ा है और आप उसे कैसे स्टेप वाइज आप उसे बांटकर उससे अपनी जीत हासिल उस पर करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आपका एडिक्शन बहुत ज़्यादा है तो अगर आप जितना चैलेंज ले सके और उस चैलेंज को पूरा कर सके उतना चैलेंज ही आपको लेना चाहिए। बहुत सारे लोग एक लंबा चैलेंज ले लेते हैं जिसके बाद होता क्या कि वो लंबा चैलेंज उनसे पूरा नहीं होता और बार बार चैलेंज लेने के बाद भी जब चैलेंज पूरा नहीं होता तो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जिसके कारण निराश होने के बाद वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते और वो हमेशा ये समझने लगते हैं कि हमसे कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप बार बार ये चीज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने एडिक्शन के हिसाब से एक छोटा चैलेंज लो, एक नोफैब चैलेंज से स्टार्ट करो। जब आप एक छोटा चैलेंज पूरा करते हैं तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा चैलेंज लो और उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करो। जब आप ये करेंगे तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आप अपने आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। अब बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ बताओ हमें कि हम पूरे दिन हमारे अंदर मोटिवेशन भरी रहे और हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, हम हमारे दिमाग पर कंट्रोल पा सकें। तो दिमाग पर कंट्रोल पाने का सबसे बेस्ट तरीका है ध्यान करना, यानी मेडिटेशन करना। अब कई लोगों को पता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाता है, वैसे हमने बहुत बार आपको बताया है और हमेशा इंसान इस चीज़ को इग्नोर करता है तभी वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता। आपको 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना है और मेडिटेशन करना है। जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप आपका दिमाग कंट्रोल होगा, अपने आप चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे तो पूरे दिन आपके अंदर मोटिवेशन आएगी और आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकोगे। और याद रखना, ऐसी चीज़ों से दूर रहो जो आपका ब्रह्मचर्य नाश कराती है। जब भी आप ऐसी चीज़ों के पास जाओ तो पहले ही समझ लो कि हमें इन चीज़ों से दूर जाना है, क्योंकि इंसान जब चीज़ों के पास जाता है तो वो भूल जाता है और धीरे धीरे जब उनके पास और चल जाता जाता है तो और वो उन चीज़ों को इग्नोर करता जाता है। इसलिए जब भी आप ऐसी चीज़ों के पास जाए तो पहले से ही उन चीज़ों से दूर हो जाओ ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप लंबे समय तक आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आराम से आप एक अच्छी खासी स्ट्रीक बना रहे हैं। Thank you.